प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। मुझे ढूंढ रहे हैं वो? छुपा हुआ हूं मैं, हाइड एंड सीक खेल रहा हूं, छुप रहा हूं। भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, बचपन से आप खेल रहे होंगे, है ना। मैं कर्टन के पीछे छुपा हुआ था और मेरी वाइफ और मेरे लोग ढूंढ रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप भी कहीं छुपे हुए हो आज? आपको पता है, आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया, पाप किया, तो वो छुप गए। वो छुप गए यूं करके, उनको डर आ गया। परमेश्वर के साथ आदम चला करता था, शाम की ठंडी ठंडी हवा में परमेश्वर आता था, खुदावन यहोवा वो आता था और आदम के साथ एक दोस्त की तरह बातें करता था। पर जब उन्होंने वो फल खाया, ना आज्ञाकारी हुए वो लोग, तो मेरे अजीजों, एक दरार आ गई, पाप की दीवार बन गई और वो जो रिलेशनशिप था, वो जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ, अलगाव आ गया, उसमें सेपरेशन आ गया और इंसान छुपने लगा। उसका जमीर जाग गया, उसका विवेक जाग गया और वो डरने लगा। क्यों क्यों डरने लगा? क्योंकि आदम जानता था कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञानी है। ही इज अ गॉड हु नोज एवरीथिंग, हिज आई सीज एवरीथिंग,
उसकी आंख खुदा की एक क्षण में पूरी दुनिया को देखता है, वो पूरे भूमंडल को देखता है, और परमेश्वर की आंख के सामने से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बुलाया उसने, आदम आदम तू कहाँ है? बाद में निकल के आया, और हम सब कहानी को जानते हैं किस तरह श्रापित हुई है धरती, श्रापित हुआ वो सांप, वो अजगर, वो शैतान। हव्वा को भी श्रापित किया गया, उस पर भी सजा आई, आदम पे भी सजा आई। और खुदा के कलाम में लिखा है दोस्तों कि एक मनुष्य के पाप के सबब से पाप पूरे मानव जाति पे लागू हो गए, और पहले मनुष्य के पाप के सबब से मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे मानव जाति पर लागू हो गई। दोस्तों हम पैदा होते हैं जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। जीना कितना है, सबसे बुद्धिमान जो इंसान था सुलेमान, जो बादशाह सुलेमान, वो कहता है एक समय है क्या जन्म का, और एक समय क्या है मृत्यु का। दोस्तों जीने का समय क्या है, कहाँ है भाई जीने का समय? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि कोई आपको देख रहा है? आजकल आप जाते हैं ना मॉल में, जाते हैं इधर उधर जाते हैं, आप सब जगह लिखा है CCTV सर्वेलेंस, यहाँ पे कैमरे लगे हैं, ध्यान रखिए कोई गलत काम मत करिए, कोई चोरी मत करें, और वहाँ पे लोग बैठे हैं कैमरे में, स्क्रीनों पे बैठे हैं और सारा चेक कर रहे हैं कि यहाँ ट्रैफिक का, ये मॉल में ये हो रहा है वो हो रहा है, पुलिस ने सब जगह ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमरे लगाए हुए हैं, चलान आ जाता है आपके फ़ोन पे या आपके घर पे चलान आ जाता है कि आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आपने ये करा वो करा, सारी जगह सर्वेलेंस हो रहा है, सब जगह सिक्योरिटी सिस्टम लग गए हैं। दोस्तों ये तो अभी का चीज़ आप सोच रहे हैं कि शायद अभी ऐसा हो गया, नहीं आप भूल रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि CCTV लगे हुए हैं कब से, किसकी आंख देख रही है आपको, वो कैमरे नहीं जो लगे हुए, शायद उन काम कैमरों को आप बंद कर सकते हैं, बिजली से बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और आप चोरी छुपे बैंक में जाके लोग लूटते हैं, लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों वो जो आंखें हैं खुदा की, द फ्लेमिंग फायरी आईज ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की आंखें जो ना केवल आपको और आपके विचारों को जो देखते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपको आर पार जानता है, खुली किताब है आप उसके सामने, खुदावन के सामने आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। थिंग्स डन इन सीक्रेट आर ओपन बिफोर गॉड, जो गुप्त रीति से चीजें आप करते हैं, छुप छुप के जो चीजें करते हैं आप, मेरे अजीजों खुदा के सामने वो एक खुली किताब की तरह है। परमेश्वर से कौन भाग सकता है दोस्तों, कौन छुप सकता है परमेश्वर से? मुझे एक बड़ी अच्छी एक इलस्ट्रेशन याद आ रही है, एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक टीचर बड़ा परेशान हो गया, दो बच्चे थे ना हमेशा परेशान करते थे, झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलोच और सब तरह का हंगामा करते थे क्लास में, बच्चे थे वो। तो उस टीचर ने कहा मैं करूँ क्या, उसको एक आइडिया आया, उसने कहा ए राजू और शाम इधर आओ। हाँ यस टीचर, ऐसा है कि ये एक टॉफी आप लो और एक टॉफी आप लो, और ऐसी जगह जाके खा के आओ ये टॉफी जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें कौन सी बात है, बड़ी अच्छी चॉकलेट टॉफी है। उनके मुंह में पानी आ गया, उन्होंने कहा वाह ये तो सर ने बड़ा अच्छा काम करा टीचर जी ने। तो वो लोग भाग गए, सारी जगह घूमते रहे वो, और एक ने तो छत पे जाके छुप के अपनी टॉफी खा ली। जो दूसरा था वो बड़ा मायूस होकर, स्कूल ख़त्म होने से पहले उनको आना था, और टीचर के सामने आके उसने वो टॉफी वापस कर दी। उसने कहा टीचर जी सर मैं सब जगह गया, मैं बेसमेंट में गया, मैं ग्राउंड में गया, मैं पेड़ों के पीछे छुपा, मैं झाड़ियों के पीछे छुपा, मैं तहखाने में गया, मैं पीछे गया, मैं छत पे गया, मैं वाटर टैंक के नीचे छुप गया, मैं सब जगह चला गया जी। वो कहता मैं तो सब जगह चला गया, डेस्क के नीचे छुप गया, मैं पर्दों के पीछे चला गया, मैं जहाँ आप बोलें सर जी मैं टॉयलेट में चला गया, सब जगह मैं चला गया। मैंने सोचा ये टॉफ़ी खा लूँ, और जब भी मैं टॉफ़ी खोलने की कोशिश करूँ और जैसे मुँह में डालूँ तो मुझे ध्यान आ गया
कि यहाँ भी परमेश्वर मुझे देख रहा है। तो कहता मैं उधर गया, इधर गया, सब जगह गया सर, पर मुझे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ परमेश्वर मुझे नहीं देखता। तो टीचर ने कहा, वाह राजू, मैं यही चाहता था। याद रखो तुम दोनों, जब तुम शरारतें करते हो, जब तुम बुराइयां करते हो, जब तुम गालियां देते हो, जब तुम मारपीट करते हो, झगड़ा करते हो सबके साथ, कौन देख रहा है तुम्हें? मैंने कहा परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। बिल्कुल सही मेरे अजीजों, उस दिन वो दोनों बच्चों ने बात सीख ली कि जब हम कुछ गलत काम करते हैं, जब चीजें बोलते भी हैं, जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कौन देख रहे हैं हमें? परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। एक बड़ी खूबसूरत आयत है, हैगर ने यूं बोला, दाओ गॉड सीएस्ट मी, हे यहोवा यावे, तू मुझे देखता है, तू मुझे देखता है। हम अपने माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से, टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने ऑफिस के बॉस से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सबसे क्लोजेस्ट दोस्त से चीजें छुपा सकते हैं, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से चीजें छुपा सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं आप छुपा सकते। परमेश्वर सब कुछ देखता है। एक बड़ी खूबसूरत आयत मैं आपके सामने, एक भजन, भजन संहिता 139 साम, बहुत खूबसूरत साम है। अगर आपको मौका लगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप प्लीज बाइबल पढ़िए, आपकी जिंदगी को बदल देगा। किसी ने इंग्लिश में यूं कहा है, मैनी बुक्स इनफॉर्म बट द बाइबल ट्रांसफॉर्म्स, आपको अंदर से बदल देगा ये, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है। परमेश्वर आपसे बात करेगा और परमेश्वर ये आपसे कह रहा है। बड़ी खूबसूरत एक भजन है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दाऊद राजा ने ये बड़ा अच्छा भजन लिखा है। वो इस तरह है दोस्तों, पहले पद से पढ़ रहा हूं मैं, गौर फरमाइए प्लीज, प्लीज गौर फरमाइए, इधर उधर मत देखिए। मेरे नौजवान सुनिए इसको, मेरे अंकल और आंटी प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। इस वचन ने मेरे जिंदगी को बदला है, मैं आपके सामने बांट रहा हूं। भजन संहिता 139 का पहला पद, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कमाल है, जांच कर परमेश्वर ने हमें जान लिया है। जरूरत नहीं उनको आपको एक्सपेरिमेंट करके जांचना या कुछ किसी टेस्ट करवाना, परमेश्वर जानता है आपको, आपकी खसलत को जानता है, रग रग को जानता है, आपके हर विचार को जानता है, आपके दिल की हर बात को जानता है, वो गुप्त चीजें भी, सीक्रेट चीजों को भी जानता है, वो उन पापों को जानता है जो आप शायद भूल भी गए हैं, वो जानता है। दूसरा पद, तूने मेरे उठने बैठने को जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। दोस्तों हमारे विचार कितने गंदे विचार हैं, घटिया किस्म के विचार हैं। किसी ने कहा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई इस तरह माइक्रोचिप आपके दिमाग में लग गया और कुछ इस तरह से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बन जाए जिसमें से आपके विचार निकल के बड़े से पर्दे पे आ जाए, कोई सिनेमा थिएटर में आपके विचार कोई देखे, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई इंसान नहीं जो चाहेगा उसके वाहियात गंदे गिरे हुए विचारों को लोग देखें और सुने। दोस्तों, दोस्तों आपके जो विचार हैं, हर एक विचार को परमेश्वर देख रहा है और जानता है। याद रखें, ये खुदा का कलाम है। आगे देखते हैं, तीसरे पद में यूं लिखा है, मेरे चलने और लौटने कि तूने भली भांति छानबीन करता है। अरे जहां मैं जा रहा हूं आ रहा हूं सब परमेश्वर को पता है, सब रिकॉर्ड है, ऐसा लगता कोई पीछे डिटेक्टिव लगा हुआ आपके, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, आपकी लाइफ कैसे, आपका चाल चलन है, खुदावन यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति ना जानता हो। अरे हर लफ्ज, हर शब्द परमेश्वर जानता है
और खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अजीजों कि हमें हर शब्द हर वचन के लिए जो हमने बोला है उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप बोलो कि मैंने तो शायद लाखों बातें बोल दी। हाँ बोल तो दी मेरे भाई, पर वो सारी लाखों बातें किसको याद है, किसका रिकॉर्ड किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है हर एक रिकॉर्ड आपका, एक एक लफ्ज भी परमेश्वर जानता है। पांचवा पद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे और पीछे घेर रखा है। कहाँ जाओगे दोस्तों है? और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। परमेश्वर का हाथ है उधर। क्या परमेश्वर के हाथ से आप भाग सकते हैं? हाँ कानून के हाथ से शायद भाग जाएंगे आप। लोग बड़े 400 BC करके धोखा देके कानून को निकल जाते हैं, पैसा वैसा खिला के, पर नहीं, खुदा के सामने नहीं होगा ये नहीं हो सकता है। और फिर भजन लिखने वाला दाऊद कहता है जब उसने ये बातें लिखी, इसका तसव्वुर किया, इसको मेडिटेट किया, इस पे मनन किया, तो हैरान हो गया, शायद अपनी कुर्सी पे यूं बैठ गया होगा और आकाश की ओर देखा होगा उसने, और उसने यूं बोला होगा, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरे समझ के बाहर है। हे खुदा, तू मेरे उठने बैठने को जानता है, मेरे चाल चलन को जानता है, मुझे जांच लिया तूने, मेरे मुंह में हर शब्द को जानता है, जो मैं कहने वाला हूं इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं तू वो भी जानता है, मेरे मन को जानता है, मेरे हृदय को जानता है कि ढोंगी और दुष्ट है मेरा हृदय, मेरे विचार गंदे हैं, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है मेरे खुदा। ये तो बड़ी गंभीर बात है, सीरियस बात। हे परमेश्वर, एक दिन मुझे आपका सामना करना है, ये जीवन की यात्रा खत्म होगी और जीवन का मालिक एक दिन हिसाब लेगा। जैसे मान लो किसी का स्कूटर लिया आपने और पूरा दिन चलाया, पेट्रोल भर दिया उसने, उसने कहा शाम को जब स्कूटर वापस दोगे तो कितने किलोमीटर चले हैं उसका मुझे हिसाब दे देना, कहाँ कहाँ गए आप, बस, क्योंकि स्कूटर मेरा है, पेट्रोल भी मेरा है। दोस्तों जीवन आपका नहीं है, वो परमेश्वर की दीवी दान है, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मालिक वो है, वो हिसाब लेगा एक दिन। शाम ढल जाएगी जीवन की एक दिन, ये सूरज ढल जाएगा आपके जीवन पे एक दिन, ये सांसें जो आप ले रहे हैं एक दिन आप एक्सहेल कर देंगे, सांस निकल जाएगी और एक दिन आप उसके सामने खड़े होंगे, हिसाब देना होगा। इट इज अकाउंटेड अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। एक मुकर्रर किया गया इंसान को एक ही बार मरना और उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा। हमें उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना, हर एक को, द लिविंग एंड द डेड, जो जीवित है और जो मर चुके हैं एक दिन उसके सामने खड़े होंगे, क्योंकि मालिक वो है, खुदा वो है। दाऊद कहता है तो बड़ी गंभीर बात है, अरे खुदा मुझे डर लग रहा है, वो कैमरा चल रहा है ऊपर, आपकी आंखें देख रही मुझे, और मैं क्या, मैं बुराइयां कर सकता हूँ, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूँ, मैं घूस दे सकता हूँ, मैं बुरी बातें कर सकता हूँ? नहीं मेरे अजीजों, नहीं। एक दिन हमें जवाब देना है। आप सोचते हैं ये खाएंगे पियेंगे एक दिन मर जाएंगे कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है, अनंत काल पड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इटर्निटी अवेट्स यू, इटर्निटी। ये तो चंद साल, 70, 80, 100, 120 साल, बस अनंत काल के सामने ये क्या है? ये कुछ भी तो नहीं है, वेटिंग रूम है, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम परदेसी हैं। और हैरान करने वाली बातें मैं बताना चाहता हूं। वो कहता है ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरे समझ के बाहर है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, कहां जाऊं मैं? क्या हम भाग सकते हैं खुदा से? आप जानना चाहते हो, एक ऐसा शख्स था बाइबल में, एक नबी था, उसका नाम योना था, जोना। अगर वो जिंदा होता ना आज, तो मैं सामने लाता कैमरा के और वो आपको बताता। उसने कोशिश की थी, उसने कहा मैं जाता हूँ, परमेश्वर ने कहा निनेवे जा, वो लोग अपने गुनाहों में गिरे हुए हैं, उनको मैं तबाह कर दूंगा 40 दिन में, तो जाके बोल उनको कि वो अपने आप को ठीक करें, पश्चाताप करें। देखा मैं वहां क्या जाऊंगा, मैं तारशीश निकल जाता हूँ, जहाज लेके निकल गया, तूफान आया, हम कहानी जानते हैं, और पानी में फेंक दिया गया वो, और मछली तैयार करी परमेश्वर ने, अबाउट टर्न कर दिया,
और वहां मछली के पेट में उसने इस बात को एहसास किया, खुदा मैं तेरे से भाग नहीं सकता, और रोया खुदा के सामने। ही क्राइड अनटू द लॉर्ड, अपनी आवाज पुकारी उन गहराइयों से, समुंदर की गहराइयों से, और खुदा ने सुना उसको और एक और जिंदगी में मौका दिया। और वो निनेवे पहुंचा और वहां पे लोगों ने टाट उड़कर अपने आप को राख में डालकर खुदा से, राजा से लेके सबसे फकीर तक, एक एक जन ने खुदा के सामने उपवास रख रख के खुदा से तौबा की और खुदा ने उनको बचा लिया। दोस्तों, ये हमारा खुदा है। आगे वो कहता है, तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछोना अधोलोक में बचाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं बोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा। दोस्तों, समुंदर के कोनों कोने तक चले जाओ, उन पहाड़ों पर चले जाओ, उन चोटियों पर चले जाओ, समुंदर की गहराइयों में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, चंद्रमा में अपनी अपना घर बना लो, कहीं पे भी चले जाओ उस भूमंडल पे। There is not a place in the universe where God will not find you. You cannot run away from God. Jonah could not run away. No one can run away from God. कोई नहीं भाग सकता खुदा से, कोई नहीं भाग सकता। कब तक भागेंगे आप मेरे अजीजों? आप कब तक भागेंगे? एक प्रेमी पिता है, एक परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। वो कहता है, क्यों परिश्रम कर रहे हो? 80 साल, 70 साल, 20 साल, 30 साल, कब तक भागेंगे आप? दोस्तों, कब तक अपने आप को हाइड एंड सीक खेलेंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे? कब तक आप खुदा से छुपन छुपाई खेलेंगे? अरे आदम नहीं छुप पाया, हवा नहीं छुप पाई, कोई नहीं छुप पाया, योना नहीं भाग सका उससे, मैं नहीं भाग सका। क्या आप अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं? आप जानते हुए भी कि वो आपको सब कुछ जान चुका है, वो आपके बारे में एक एक चीज जानता है। मेरा खुदा वो सब कुछ जानता है, आपके हर गुनाह को जानता है, और उन गुनाहों की खातिर वो सलीब पे मारा गया, वो देहधारी हुआ आपके लिए। वो आया उन लोगों को ढूंढने के लिए जो खोए हुए हैं। आप खोए हुए हो गुनाहों में, सॉरी मैं ये कह रहा हूं, पर ये सच्चाई है। सोचिए इसके बारे में, कब तक आप भागेंगे? कब तक? वो आपके लिए आया, हमें ढूंढने के लिए आया, हमारे लिए बड़ी भारी कीमत चुकाने के लिए आया, अपना लहू बहाया सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो हमारा खुदा है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपको बचाना चाहता है। मैं बता रहा हूं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं कि अपने प्रेमी परमेश्वर को तुम आज पहचान लो, अपना जीवन उसको दे दो, और बजाय उससे उससे भागने के उसके पास भागते हुए चले आओ, एक छोटे बच्चे की तरह भागते हुए चले आओ, उस भगोड़े लड़के की तरह, उस प्रोडिगल सन की तरह भागते हुए चले आओ। वो आपको अपने आगोश में ले लेगा, वो अपने आगोश में आपको ले लेगा, उसकी मोहब्बत आपको पकड़ लेगी। याद रखें, अपनी परछाई से आप नहीं भाग सकते, अपनी दिल की धड़कन से नहीं भाग सकते आप। दोस्तों, वो पीछे आ रहा है आपके, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप लौटेंगे नहीं, जब तक आप मुड़ेंगे नहीं। और उसको कहेंगे, हे पिता, आपने मुझे जांच लिया है, मैं गुनहगार हूं, मुझ गुनहगार पर दया करो खुदा, मुझे क्षमा कर दो मेरे खुदा, हे यहोवा मुझ पर क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं और मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं पूरे मन से कि मेरे गुनाहों की खातिर आप सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे, जिंदा हैं खुदा, आप पुनरुत्थान और जीवन है, आप जिंदा हैं और जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आ रहे हैं। प्रभु जी, मैं ये भी जानता हूं आपकी आंख मुझ पर है, मैं ये भी जानता हूं आपका दिल मुझ पे है, आप उससे मोहब्बत करते हैं। खुदा, मैं आज लौट के आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं आपके पास, मुझे अपने आगोश में ले लो, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता, प्रभु करके ग्रहण करता हूं, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आप पर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।
दोस्तों, अगर ये प्रार्थना करी आपने, आपकी दौड़ खत्म हो गई है, आपको छुपने की जरूरत नहीं है, आप आ गए उसके पास। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। बाइबल में लिखा है, जब एक पापी भी लौट के आता है, स्वर्गों में उत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। पिता परमेश्वर बहुत खुश होता है जब एक लौट के आता है। दोस्तों, कब आएंगे वापस आप? पुकारो उसकी ओर, योना की तरह पुकारो, निनवे के लोगों की तरह पश्चाताप करो और लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422 1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।